नीट जेई मेंस परीक्षाओं का मुद्दा गरमाया। देश विदेश के 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य से कर रहे खिलवाड़। कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक हुई तेज। सोनिया गांधी को खत लिखने वाले 23 सीनियर नेता के निशाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बताया इसे दुर्भाग्यपूर्ण। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े, बीते 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 75,000 से अधिक मामले। एक और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 33 लाख के पार। भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा LAC पर 1962 के बाद सबसे ज्यादा गंभीर हालात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिवराज सरकार के एक अध्यादेश को किया नामंजूर। प्रदेश में रात में कारखानों में काम नहीं कर सकेंगी महिलाएं।